एसटीएफ के अभिसूचना तंत्र में एक तथ्य प्रकाश में आया कि एक ऐसा अंतर्राज्यीय नेक्सेस है जो आरटीओ इंश्योरेंस कंपनीज और के माध्यम से ऐसे गाड़ियों का डाटा इकट्ठा करता है जो या तो टोटल लॉस में चली गई हैं या इंटर स्टेट में उस पर कुछ प्रॉब्लम है। इन आरटीओ के डाटा के माध्यम से ये ऐसे ट्रकों के जिनकी किस्तें डिफ़ॉल्ट हो चुकी रहती हैं उनको टारगेट करते हैं, उनके मालिकों को टारगेट करते हैं, उनसे बहुत औने पौने दाम में ट्रक ले लेते हैं। फिर ट्रक लेने के पश्चात जो आरटीओ की मिली भगत से एक जो सेकेंडरी डाटा उपलब्ध कराते हैं इंजन नंबर चेंज इस नंबर को, उसको पहले वाले डाटा को रब करके उसके ऊपर से नए डाटा को सुपर इम्पोज करते हैं। इतनी बारीकी से काम करते हैं कि सामान्य जांच में इनके आरसी नंबर चेंजिस नंबर पकड़ में नहीं आते हैं। इन तैयार पेपरों को फिर से जब वो पूरी तरह गाड़ी कंप्लीट हो जाती है फिर से इन गाड़ियों का ये रजिस्ट्रेशन करा करके उस पर लोन करा लेते हैं। लोन कराने के बाद से कुछ दिन बाद फिर इन्हीं गाड़ियों को फिर से एक बार इसी तरीके से फिर से एक पेपर नया तैयार करके उस पर लोन कराते हैं। इस तरह एक ही गाड़ी को तीन बार चार बार करते रहते हैं। इस तरह के कुल 7 गाड़ियाँ हमने राजस्थान नंबर की रिकवर की हैं जिसपे तीन तीन बार चार चार बार काम हो चुका था। सर, एक कब से लोग काम कर रहे हैं और कितनी गाड़ियों को इस तरह से उन्होंने किया हुआ? ये नेक्सस काफ़ी बड़ा है जिसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं, कई डिपार्टमेंट्स के लोग के दलाल शामिल हैं इसमें। ये इनका जो मिस्त्री है उसके विषय में जब जानकारी की गई थी तो उस बताया कि 1990 से हम इस तरह की गाड़ियों पे इंजन नंबर चेंजिस नंबर हम डाला करते हैं। पहले मैं टाटा की गाड़ियों में जो टोटल लॉस की गाड़ियाँ होती थी कंपनी में उसको एक काम करता था, वहाँ से इस काम को सीखा उसने। लेकिन अभी जब वो विस्तृत पूछताछ उससे जब हो जाएगी और पकड़ में आ जाएगा हमारे, तब हम और भी चीज़ों को रिकवर कर सकेंगे। इसी तरह के कौन कौन से नेक्सेस और पूरे इंटर स्टेट में सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं अभी? तो लगभग हम लोग 18 से 19 लोगों को चिन्हित हम लोगों ने किया है, जिसमें 2 की अरेस्टिंग कल यहाँ आगरा में हुई है और शेष पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस तरह से और भी गाड़ियाँ बरामद होने की पूरी संभावना है। आगरा पुलिस एसटीएफ की मदद से रेड करके 7 ट्रक बरामद की है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि ट्रकों का नंबर बदल कर और ट्रकों के चेंजिस नंबर इंजन नंबर बदल कर उन पर फाइनेंस करवा कर फिर उन पर थानों के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से मुकदमा लिखवा कर और उन ट्रकों के फाइनेंस से पैसा इंश्योरेंस से पैसा लेकर और बाद में फिर से उन ट्रकों का नंबर बदल कर चेंजिस नंबर इंजन नंबर बदल कर ऐसे ही कंटिन्यूस कार्य कर रहा था। इस गिरोह का पर्दाफाश एसटीएफ ने किया है और एसटीएफ और आगरा पुलिस ने रेड करके 7 ट्रक बरामद किए हैं। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम है गौतम सिंह और राघवेंद्र सिंह। इन लोगों के साथ लेकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एसटीएफ का है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी एसटीएफ के सीओ साहिबान देंगे।